हे एवरीवन, वेलकम टू द अनऑफेंडर। और ये है मेरा रिव्यू फॉर डिज्नी प्लस हॉटस्टार्स लेटेस्ट वेब सीरीज काला। काला एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज है जिसे देखने का एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जब मैंने इस शो के इनिशियल एपिसोड्स देखे थे तब मुझे लगा नहीं था कि मैं इस शो के खत्म होने तक इसे इतना एंजॉय करूंगा। शो डेफिनेटली वर्ल्ड बिल्डिंग में टाइम लेता है और स्टार्टिंग में ही हमें इतने सारे कैरेक्टर्स और सब प्लॉट से इंट्रोड्यूस कर देता है कि समझ पाना कि ये सारे स्टोरीज कैसे कनेक्ट करेंगे व्यूअर के लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकते हैं। अगर बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें तो वो रिवॉल्व अराउंड करती है 1988 में इंडियन आर्मी को मिले एक स्पेशल मिशन के, जिसमें उन्हें इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर कुछ टनल्स को बंद करना था, और 2018 में एक आईबी टीम का ऑपरेशन अगेंस्ट नमन आर्या, जो आईबी के अकॉर्डिंग अपने रिसाइकलिंग बिजनेस के अंडर में रिवर्स हवाला करता है। अब ये 1988 और 2018 के मिशंस कैसे लिंक्ड है, कौन कौन से कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है, उनकी मोटिवेशन क्या है, ये सब पता करने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि शो में कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, बट मेनली जिनके अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करती है वो है ऋत्विक का कैरेक्टर, जो कि एक आईबी ऑफिसर है जिसको प्ले करा है अविनाश तिवारी ने, जिनको रिसेंटली अभी मैंने बम्बई मेरी जान सीरीज में देखा था और सीरियसली मैं इस एक्टर का फैन हो गया हूँ। दो दिन, दो सीरीज और दो बढ़िया परफॉर्मेंसेस, ही डेफिनेटली डिजर्व्स मोर रिकग्निशन। उसके अलावा मेन लीड्स में है रोहन मेहरा, निवेदिता पेथुराज, ताहिर शब्बीर, हितेन तेजवानी और जितिन गुलाटी। सबने ही अपना काम ठीक किया है, लेकिन जो स्टैंडर्ड परफॉर्मर रहे हैं वो है जितिन गुलाटी, जिनका कैरेक्टर काफी लेयर्ड था और उन्होंने अपने रोल को अच्छे से जस्टिस भी करा है। शो के बाकी एस्पेक्ट की बात करें तो स्क्रीन प्ले काफी अच्छे से लिखा है। 1988 और 2018 में ही पूरी स्टोरी बैक एंड फोर्थ चलती रहती है और ट्विस्ट हर थोड़े टाइम पर आते रहते हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग इतने ज्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं थे, इसलिए उनको देखने में मजा आता है। एपिसोड्स का रन टाइम रेंज करता है 30-55 मिनट्स के बीच, तो वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट में सफिशिएंट टाइम लिया है, कोई जगह आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है। शो के डायरेक्टर है बिजॉय नाम्बियार, जो इससे पहले शैतान और वजीर जैसी अच्छी फिल्म्स बना चुके हैं। शो की कलर ग्रेडिंग और सिनेमाटोग्राफी स्टैंड आउट करती है और स्क्रीन प्ले में जैसे BGM का इंटीग्रेशन करा है वो भी मुझे काफी बढ़िया लगा। मेरे हिसाब से नेगेटिव एस्पेक्ट में जो भी फायरिंग और ब्लास्ट के सीन है, वहाँ की VFX बहुत ज्यादा फेक लग रहे थे। साथ में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे और सबको कुछ आर्क देना था तो वो थोड़ा रश्ड लग रहा था, और कुछ कैरेक्टर्स का तो एडिशन ही अननेसेसरी था। ओवरऑल काला भी एक गुड कैटेगरी की सीरीज है और अपने जॉनर से ट्रू रहती है, अच्छे ट्विस्ट प्रोवाइड करती है, परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं और स्टोरी भी इंगेजिंग है। गालियाँ इतनी ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत इंटीमेट सीन है इधर उधर, वो अपने हिसाब से देख लेना कि पेरेंट्स के साथ देखनी है या नहीं। ये था मेरा रिव्यू ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार काला। होपफुली वीडियोस अच्छी लग रही हो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो टू द अनऑफेंडर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।